हेलो बच्चों, आज हम स्टोरी पढ़ेंगे द मैजिक पोरेज पोट। एक जादुई पात्र, जादुई खिचड़ी का पात्र, खिचड़ी का मटका। वंस देयर वाज ए लिटिल गर्ल नेम्ड तारा। एक बार एक तारा नाम की एक छोटी लड़की थी। सी लिव्ड विद हर मदर। वह अपनी माँ के साथ रहती थी। दे वर वेरी पुअर। वे बहुत गरीब थे। वन डे सी वेंट टू ए फॉरेस्ट। एक दिन वह जंगल में गई। देयर सी मेट एन ओल्ड वुमेन। वहां पर उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई। द ओल्ड वुमेन गेव हर ए पोट। बूढ़ी औरत ने उसे एक पोट दिया, एक मटका दिया। सी सैड, उसने कहा, दिस इज ए मैजिक पोट। यह एक जादुई मटका है। इट विल कुक पोरेज फॉर यू व्हेन यू से कुक पोट कुक। यह तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाएगा जब तुम इसे कहोगी कुक पोट कुक। कुक पोट कुक कहेगी, कहोगी ना, तो ये आपके लिए खिचड़ी बनाएगा। इट विल स्टॉप मेकिंग पोरेज व्हेन यू से स्टॉप पोट स्टॉप। और यह जब तक बनाता रहेगा जब तक आप इसे ये नहीं कहोगी स्टॉप पोट स्टॉप। तारा वॉज वेरी हैप्पी। तारा बहुत खुश थी। सी रैन टू हर मदर एंड सैड, मदर वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री एज आई हैव गोट ए मैजिक पोट। वह भागी हुई अपनी माँ के पास गई और बोली, मदर, माँ, वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री। हमें और ज़्यादा भूखा रहने की अब जरूरत नहीं है। अब हमें ज़्यादा भूखा नहीं रहना पड़ेगा। आई हैव गोट ए मैजिक पोट। अब मुझे एक जादुई मटका मिल गया है। तारा सेट टू द पोट कुक एंड द पोट कुक्ड पोरेज। तारा ने कहा, तारा ने पोट को बोला कुक पोट कुक एंड पोट कुक्ड पोरेज। और उसने पोट ने खिचड़ी बनाई, खिचड़ी पकाई। हर मदर वॉज वेरी हैप्पी एंड दे बोथ एट पोरेज। उसकी माँ बहुत खुश हुई और दोनों ने खिचड़ी खाई। वन डे एक दिन वैन तारा हैड गोन आउट। तारा बाहर गई हुई थी। हर मदर फेल्ट हंग्री। उसकी माँ को भूख महसूस हुई। सी सेट टू द पोट। उसने पोट को बोला कुक पोट कुक। तो उसकी माँ ने बोला पोट को कुक पोट कुक। द पोट स्टार्टेड कुकिंग पोरेज। पोट ने खिचड़ी पकानी शुरू कर दी। आफ्टर ईटिंग इट हर मदर सेड डू नॉट कुक पोट। खाने के बाद उसकी माँ ने कहा डू नॉट कुक पोट, अब मत पकाओ पोट। बट द पोट वेंट ऑन कुकिंग। सून द पोरेज स्टार्टेड स्पिलिंग ऑन द फ्लोर। लेकिन पोट जब पकाता रहा, खिचड़ी को पकाता रहा। सून द पोरेज स्टार्टेड स्पिलिंग ऑन द फ्लोर। और शीघ्र ही खिचड़ी चारों तरफ फैलनी शुरू हो गई, चारों तरफ गिरनी शुरू हो गई। मदर कॉल्ड आउट अगेन, वेट, डू नॉट कुक एनी मोर। मदर ने फिर कहा, वेट, इंतजार करो, डू नॉट कुक एनी मोर, और खिचड़ी की जरूरत नहीं है। बट द पोट डिड नॉट स्टॉप। लेकिन पोट ने खिचड़ी पकाना बंद नहीं किया। मदर रैन आउट ऑफ द हाउस एंड द पोरेज फॉलोड हर। मदर घर से बाहर भागी और खिचड़ी ने उसका पीछा किया। सून देयर वॉज पोरेज एवरीवेयर। शीघ्र ही खिचड़ी हर जगह थी, हर जगह पर खिचड़ी फैल गई थी। द होल विलेज सॉ इट। पूरे गांव ने इसको देखा। दे रैन टू ईट द पोरेज। उन्होंने खिचड़ी खाई। वैन तारा केम बैक सी सा दैट द रोड वॉज फुल ऑफ पोरेज। जब तारा वापस आई तो उसने देखा कि पूरा रोड खिचड़ी से भरा हुआ था। द सी रन होम एज फास्ट एज सी कुड। वह जितना हो सके उतना अपने घर की तरफ भागी। शी हर्ड हर मदर शाउट। उसने अपनी माँ को चिल्लाते हुए सुना, तारा, द पोट इज कुकिंग एंड इट विल नॉट स्टॉप। तारा
पोट खिचड़ी पका रहा है और यह बंद नहीं हो रहा। तारा कॉल्ड आउट, स्टॉप पोट स्टॉप एंड इट स्टॉप्ड कुकिंग पोरेज। तारा ने कहा, स्टॉप पोट स्टॉप, और पोट ने खिचड़ी पकानी बंद कर दी। न्यू वर्ड्स देखते हैं। मैजिक मतलब जादुई, कुक मतलब पकाना, पोरेज मतलब खिचड़ी, स्पिलिंग मतलब छलकना, होल मतलब पूरा, विलेज मतलब गांव। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही।